हेलो लर्नर्स वेलकम टू एग्जाम प्रिपरेशन आज का वीडियो सब्जेक्ट है इंग्लिश इन डेली लाइफ हम इस वीडियो सीरीज़ में सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आज की वीडियो लिंक्ड है प्रीवियस वीडियो से क्योंकि हम शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जो कि आपका ट्वेंटी मार्क्स का आता है और टेन मार्क्स के ये दो क्वेश्चन आते हैं ईच तो पहले हम टेन मार्क्स का कर चुके हैं लास्ट वीडियो में आज हम बात करेंगे बाकी टेन मार्क्स की जो कि है राइट शॉर्ट नोट ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेलीफोन हेल्पलाइन शॉर्ट नोट लिखना है आपको कि टेलीफोन हेल्पलाइन की इम्पॉर्टेंस क्या है अबाउट थ्री हंड्रेड टू थ्री फिफ्टी वर्ड्स में जो कि आपका टेन मार्क्स का है ट्वेंटी मार्क्स मैंने दो शॉर्ट नोट के लिए लिखे हुए हैं लेट्स सी टेलीफोन हेल्पलाइन इज अ फैसिलिटी दैट ऑफर्स नॉन जजमेंटल लिसनिंग सर्विस टू पीपल इन क्राइसिस सिचुएशन हेल्पलाइन आपकी एक फैसिलिटी होती है जो आपको ऑफर करती है नॉन जजमेंटल सर्विस मतलब बिना किसी जजमेंट के जो आपकी बात कोई सुनने वाला होता है क्राइसिस सिचुएशन में दिस सर्विस इज मोस्टली ऑफर थ्रू कॉल इन ऑन अ फ़ोन लाइन जो ये सर्विस होती है आपकी हेल्पलाइन फ़ोन हेल्पलाइन बेसिकली ये कॉल पे सर्विस प्रोवाइड करती है वाइल सम हेल्पलाइंस वर्क ट्वेंटी फोर सेवन अदर्स है स्पेसिफिक वर्क आवर कुछ जो हेल्पलाइंस होती हैं वो ट्वेंटी फोर सेवन आपके लिए वर्क करती है लेकिन कुछ जो हेल्पलाइंस होती हैं वो कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आपकी हेल्प करती है कॉलर हु इज़ इन इमोशनल डिस्ट्रेस कैन कॉल द हेल्पलाइन एंड सीक सपोर्ट ऐसे लोग जो इमोशनल स्ट्रेस को फील कर रहे हैं या डिप्रेशन को फेस कर रहे हैं इस तरीके के कॉलर्स भी यहाँ पर सपोर्ट के लिए कॉल कर सकते हैं वी ऑल हैव स्ट्रेस एंड चैलेंजेस इन आवर लाइफ दैट वी फाइंड हार्ड टू कॉप जैसा कि सबको पता है कि हमारे लाइफ में स्ट्रेस और चैलेंजेस हमेशा ही लगे रहते हैं बट कभी कभी ऐसा होता है कि उनको फेस करना बहुत ही हार्ड हो जाता है समटाइम्स वी एबल टू शेयर दीज चैलेंजेस विद फ्रेंड्स एंड फैमिली कभी कभी ऐसा होता है कि हम आ, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं बट समाइम वी डोंट वॉन्ट टू शेयर दैम ड्यू टू आर फीयर ऑफ बींग जज्ड और बिकॉज वी आर वरी दैट पीपल अराउंड अर्जिल बीग टू लुक एट अज डिफरेंटली एंड डिफाइन अज बाईर प्रॉब्लम्स अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हमारी ऐसी होती है कि हम चाह कर भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर नहीं कर सकते क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम ये प्रॉब्लम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे तो इस डर की वजह से भी कई बार हम अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर पाते हैं इन सम केसेज वी डोंट वॉन्ट टू शेयर एक्सट्रीमली सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन विद पीपल हु आर क्लोज टू अर्स काफ़ी टाइम ऐसा भी होता है कि हमारी प्रॉब्लम्स है या इंफॉर्मेशंस है वो इतनी सेंसिटिव होती है कि हम अपने क्लोज वन फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते तो ऐसे में हम टेलीफोन हेल्पलाइन की हेल्प ले सकते हैं समटाइम्स वी मे विश टू शेयर विद सम्स बट नॉट बी एबल टू गेट इन टच विद दैम वेन वी आर इन एक्सट्रीम डिस्ट्रेस एंड समाइम्स वी हैव नो आइडिया वॉट टू डू एंड वॉन्ट टू स्पीक टू समन एंड यूज़ दैम एज अलेंट लिसनर कभी कभी क्या होता है कि हम शेयर तो करना चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को किसी के साथ लेकिन उस वक्त वो अवेलेबल नहीं होते या हम उनके टच में नहीं होते हैं जिस समय हमें उनकी ज़रूरत होती है ऐसे में हमें चाहिए है कि कोई ऐसा इंसान जो साइलेंटली हमारी बातों को सुन सक जस्ट स्पीकिंग अबाउट पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन ऑफर्स अस क्लियरिटी और कभी कभी हम चाहते हैं कि सामने से कोई क्लेरिटी ऑफर करे कि किस तरीके से हम उन्हें सॉर्ट आउट कर सकते हैं यू कुड चूज़ टू कॉल अ हेल्पलाइन इन एनी ऑफ दि सिचुएशंस आप इन सभी सिचुएशन के लिए हेल्पलाइन को चूज़ कर सकते हैं कॉल कर सकते हैं यहाँ पर इन मैनी पार्ट्स ऑफ कंट्री इट इज़ ईजियर टू कॉल अ हेल्पलाइन दैट इट इज़ अवेल टू मेंटल हेल्थ सर्विसेज यहाँ पे हमारी कंट्री के कुछ पार्ट्स में हेल्पलाइन नंबर इतना इजीली अवेलेबल है कि आप मेंटल हेल्थ के लिए सर्विस ले सकते हैं वहाँ से एन यू कॉल अ हेल्पलाइन यू हैव नथिंग टू लूज़ एंड एवरी थिंग टू गेन जब भी आप हेल्पलाइन में कॉल करते हैं किसी भी सिचुएशन में हेल्प लेने के लिए तो आपके पास कुछ भी लूज़ करने के लिए नहीं होता है सिर्फ गेन करने के लिए ही होता है मतलब आप सिर्फ लूज़ करते हैं अपनी स्ट्रेस को मेंटल इश्यूज़ को और गेन करते हैं वहाँ से कुछ वैल्यूबल आपके सल्यूशनस को मोस्ट हेल्पलाइंस ऑफर्स फ्री सर्विसेज यू ओनली पे नोमिनल अमाउंट फॉर मेकिंग द कॉल्स अच्छा जो मोस्टली हेल्पलाइन नंबर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं सर्विसेज के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं या फिर उनके पे इतनी नॉमिनल होती है कि आप ईजिली उसको अफोर्ड कर सकते हैं कॉल करने के लिए एंड सम आर स्टाफ बाई ट्रेंड काउंसिलर हु कैन ऑफर साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो स्टाफ आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देते हैं वो वेल well ट्रेन्ड होते हैं किसी भी सिचुएशन में बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए और इंफॉर्मेशन विल बी कैप्ड कॉन्फिडेंशियल जो आपकी इन्फॉर्मेशन होते हैं या इश्यूज़ होते हैं जो आप शेयर करते हैं उनको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है सो so आपको डरने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि जो आप इंफॉर्मेशन है या फिर आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको लीक किया जा सकता है ये बिल्कुल सेफ होता है आप यहाँ पे कॉल करके अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ले सकते हैं यू हैव द फ्रीडम टू स्पीक अबाउट एनी थिंग दैट इज़ कॉजिंग एन इमोशनल क्राइसिस आपको यहाँ पे पूरी फ्रीडम होती है कि आप बिना किसी डर के अपनी प्रॉब्लम्स uh, को या इमोशनल क्राइसिस को शेयर कर सकते हैं विदाउट द फ़ियर ऑफ बीइंग जज्ड एंड विद द एश्योरेंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी बिना किसी डर के कि कोई आपको जज करेगा या आपकी बातों पे कोई कैसे रिएक्ट करेगा नेगेटिव रिएक्शन नहीं मिलता है बेसिकली और आपको एश्योरेंस दिया जाता है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा सीक्रेट रखा जाएगा उस चीज़ को दी हेल्पलाइन काउंसलर मे ऑल्सो एक्सेस योर नीड्स एंड पॉइंट यू टू द क्लोजेस्ट ऑन द ग्राउंड रिसोर्स जो हेल्पलाइन काउंसलर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि आपकी नीड्स को किस तरीके से फुलफिल किया जाए किस तरीके से आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए और वो कुछ आपको ऐसे सॉल्यूशन चेत देते हैं इजी टू फॉलो होते हैं अ हेल्पलाइन इज़ नॉट ओनली फॉर मोमेंट ऑफ क्राइसिस नॉर इट इज़ ओनली फॉर पीपल हुज इशू आर लाइफ थ्रेटनिंग ये जो हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं इनका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि ये सिर्फ क्राइसिस मोमेंट्स के लिए यूज़ होते हैं या फिर लाइफ थ्रेटनिंग जो इश्यूज़ होते हैं उनके लिए यूज़ होते हैं बल्कि यू कैन कॉल अ हेल्पलाइन टू सीक इंफॉर्मेशन अबाउट एनी ऑफ योर इशू हाउ टू हैंडल दैम बल्कि अब किसी भी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए या फिर किसी इशू को रिजॉल्व कराने के लिए या उनको किस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं यू कैन ऑल्सो कॉल टू सीक इन्फॉर्मेशन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन इफ़ यू थिंक दे हैव अ मेंटल हेल्थ इशू के पास यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये होता है कि आप किसी के बिहाफ पे भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं या uh, कोई इशू को रिजॉल्व करा सकते yeah. हैं क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जिस पर्सन को इशू uh, हो होते हैं या प्रॉब्लम होती है वो खुद अवेलेबल नहीं हो पाता उनके मेंटल हेल्थ ऐसी नहीं होती है कि वो खुद से अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर पाए तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं इस तरीके से सम हेल्पलाइंस आर अवेलेबल ओनली थ्रू फ़ोन कॉल्स कुछ जो हेल्पलाइन टेलीफोन नंबर्स होते हैं वो आपका फ़ोन कॉल्स के लिए ही अवेलेबल होते हैं वाइल सम अदर सच एज टी आई एस एस आई कॉल ऑफर साइकोलॉजिकल सपोर्ट ओवर ई मेल टू लेकिन कुछ जो अदर सर्विसेज होती है हेल्पलाइन सर्विसेज होती है जैसे कि टी आई एस एस आई कॉल्स वो आपको ऑफर करती है कि आप ईमेल भी उनको कर सकते हैं और कॉल भी उनको कर सकते हैं येट अदर सच एज परिवर्तन एंड स्नेहा ऑफर्स फेस टू फ़ेस काउंसलिंग एज वन यहाँ पे कुछ ऐसी सर्विसेज भी है जैसे परिवर्तन और स्नेहा जो आपको फ़ेस टू फेस काउंसलिंग भी देती है आपको फ़ोन कॉल भी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं और आपका ईमेल भी लेकिन फ़ेस टू फेस भी आपकी काउंसलिंग वहाँ पर होती है सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन ओके मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो जैसे कि गवर्नमेंट के थ्रू भी आपको हेल्प नए नंबर ऑफर किए जाते हैं प्रोवाइड किए गए हुए हैं तो आप उनकी बिहाफ़ पर भी शॉर्ट नोट अपना लिख सकते हैं मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज ये किया है कि काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कि हेल्पलाइन किस लिए यूज़ किया जाता है तो मैंने अपना टॉपिक इस तरफ रखा है कि हम किस तरीके से हेल्पलाइन नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं काफ़ी लोगों को ये गलतफहमी होती है कि सिर्फ क्राइसिस में ही आप ये हेल्पलाइन नंबर यूज़ कर सकते हैं बट आप किसी इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए भी ये हेल्पलाइन नंबर यूज़ कर सकते हैं सो आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए एंड वीडियोज़ को शेयर कीजिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो